हमारे मासलपुर उप तहसील चिकित्सालय की स्थिति, जहां पे समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने की वजह से सरकार की इतनी सारी योजनाओं के चलते हुए भी वहां के लोगों को आज भी झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है। मैंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ ना तो यहाँ पे समय पे डॉक्टर आते हैं, ना नर्स हैं, ना कंपाउंडर हैं, ना किसी सरकार की योजना का बेनिफिट मिलता है। यहाँ में कोई हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है और कोई भी मरीज चाहता है वो देख दाख के चला जाता है यहाँ से। मरीज प्राइवेट कोई कंपाउंडर है, कोई शिव नारायण है, उसके पास चला जाता है, वो भी नहीं मिलता है तो करौली जाना पड़ता है। जब मैं खुद वहाँ पे 10-11 बजे तक रही तो डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे ही नहीं, उनकी चेयरें खाली पड़ी थी। इतनी योजनाएं चलाई हुई है फिर भी वहाँ के बेड फटे हुए थे, पेशेंट कोई भी नहीं था, डिलीवरी के लिए भी बाहर भेज दिया जाता है। मलेरिया के पेशेंट इतने हैं यहाँ पे कि आए दिन जो लोग बीमार होते हैं, बुखार आते हैं, यहाँ तो क्या है टेबलेट दे दिए एक और घर चले जाओ, और उसके बाद में यहाँ कोई उपचार ही नहीं है उसके, फिर तो करौली जाओ सीधे। और डॉक्टर्स मिलती नहीं है, यहाँ चार डॉक्टर लगा रखे हैं, चार में से एक भी नहीं रहता। एक कंपाउंडर है हरिमोहन जी, ड्यूटी करना नहीं चाहते, हरिमोहन आते हैं पल दो पल के लिए, बस छुट्टी गई। मैं अपनी मम्मी और बच्चे दिखाने आया। क्या हो गया उनको? तबीयत खराब है माँ की। कहाँ पे दिखाने आए हो आप उनको? मासलपुर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने बजे पहुँचे थे आप? हम पहुँचे 8:15 बजे। तब क्या हुआ था? अरे कोई नहीं था, तो लड़की थी बस, बच्चे छोटी सी, तो खुल रखा है हॉस्पिटल खाली बस में, और कोई डॉक्टर कंपाउंडर कोई भी। फिर अब कहाँ लेके जा रहे हो आप इनको? अब है दिखाइए शिव नारायण जी। यहाँ पे डीडीटी पाउडर का कितने दिन का छिड़काव हुआ है? अब यहाँ तो ये जानकारी नहीं है मेरी, बाकी ये एक राउंड तो मई में होता है और एक होता है उसके बाद में अगस्त। उसके बाद में मलेरिया के पेशेंटों की क्या स्थिति है? मलेरिया के पेशेंट तो काफ़ी हैं। इसके लिए कभी आपने कुछ किया? कई बार कंप्लेन किया मैं। क्या हुआ फिर? कोई नहीं, करेंगे और 2-4 बार तो फोन पे हो गया था। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, लिखित में भी दिया था 2-4 बार। हमारे मासलपुर का समुदाय यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करता है कि वहाँ के स्टाफ को पाबंद किया जाए, जिससे वहाँ पे समय पे डॉक्टर पहुँच सके और वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का नंबर है 074-64-220-150। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।